यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि सरदारपुरा में फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले तक तो ये था कि यहाँ से हो सकता है कि अशोक गहलोत जो है वो चुनाव ना लड़े, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था और अब ये भी फाइनल हो गया कि वहां से टिकट मिल गई है। तो किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही ये कहा था कि मैं था सु दूर नहीं, तब लग तो गया था कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, मगर बीच में फिर वो थोड़ा सा सेंटी बोल गए थे तो लग रहा था कि शायद वो पूरे मॉनिटर करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है, कार्यकर्ताओं में खुशी है, उत्साह का माहौल है। कल रात को जिस तरीके से आतिशबाजी की गई है, काफ़ी उत्साह है। और ऐसे में ये कहा जा सकता कि शंभू सिंह खेतासर जो हैं भाजपा के प्रत्याशी, वो पिछला चुनाव हार चुके हैं और वो यहाँ बिना मन के चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी कि वो जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ओसिया से टिकट मांगा था। और कहने की ये सीट पे आज तक देखे तो कोई भी व्यक्ति जो है माधव सिंह को छोड़ के 1977 में कोई भी अशोक गहलोत को हरा नहीं सका। चेहरे बदल दिए, पार्टी का कार्ड खेल लिया, हिंदू का कार्ड खेल लिया, सब खेल लिया, मगर इस बार अभी तक तो कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की स्थिति इसलिए भी मजबूत है, जोधपुर के लोग चाहते हैं कि ये चेहरा विधानसभा तक पहुंचे, ये चेहरा विकास का काम कर रहा है और ये चेहरे को वापस से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जोधपुर ने तीन तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, जिससे बरकोत्तर का मुख्यमंत्री, जनरल व्यास मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत दो दो बार मुख्यमंत्री रहे और सबकी ख्वाहिश है कि तीसरी बार भी जो मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को देखें। तो कहने की जनता है और काफी जनता, भाजपा तक के लोग जो है, विचारधारा तक के लोग हैं, वो इसलिए उनको वोट देते हैं कि अगर ये चेहरा विधानसभा पहुंचेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो जोधपुर का भी विकास होगा। बिल्कुल, और विकास के ही मद्देनजर इन नेताओं को चुना जाएगा, जनता के द्वारा देखना होगा कि किस पर यहाँ वोटिंग होती है।